सोलन में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और भाजपा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा का राजनीति में दोहरा चरित्र है और वे कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सोलन में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और भाजपा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा का राजनीति में दोहरा चरित्र है और वह कहती कुछ और करती कुछ और है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कहने को राम राज्य लाने का वायदा करती है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं उनमें से कईयों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी आरटीआई सर के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा में 22 ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो ऐसे में भाजपा हिमाचल में राम राज्य की स्थापना कैसे कर सकती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 22 ऐसे विधायक चुनकर गए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय अपने एफिडेविट में स्वीकारा है। ठीक इसी प्रकरण को आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपनी लड़ाई है वो जारी रखे है, और अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पर जो केस चल रहा था उसे ये कहकर वापस लिया गया कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था, जबकि ये सीधा जनहित से, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ केस है, जिसमें लाखों बेरोजगार, हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ और उनका इक्वल अपॉर्चुनिटी के जो अधिकार था उसको छीना गया। ये किसी भी सूरत में ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस नहीं था, जिसे हिमाचल हाई कोर्ट ने मोहर लगाकर इस केस को अभी एडमिट किया है और दोषियों के ऊपर नोटिस जारी किया है।